हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पन दाग एंड वेलकम टू फ्लाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संस्कृत बोलना कैसे सीखें, बोलना, पढ़ना और लिखना। बेसिकली मैं ये बात उनके लिए कर रहा हूँ जिनके लिए संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 6th क्लास से 10th क्लास तक। जो लोग स्टार्टिंग से संस्कृत गुरुकुल या संस्कृत विद्यालय में चले जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती संस्कृत बोलने, लिखने, पढ़ने और सीखने में। लेकिन जो बच्चे जो क्लास सिक्स से संस्कृत स्टार्ट होती है उनकी और 10th क्लास तक रहती, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो जहाँ पर भी संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती क्योंकि उनके स्कूल्स में संस्कृत के जो टीचर भी ज़्यादातर नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो ज़्यादातर उनको रटने या ऐसे ही करने की कोई चीज़ें सिखाते, मतलब उनको बेसिकली एक अच्छा नॉलेज नहीं दे पाते जिससे बच्चा रटता है और 10th एनी हाउ पास करके उसको निकलना होता है। जैसे संस्कृत लैंग्वेज उसके लिए एक बहुत एक दिक्कत परेशानी का सब्जेक्ट बन जाता है। देखिएगा, संस्कृत लैंग्वेज सीखना बहुत आसान है हम इंडियंस को, क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और तो हमारे लिए एक बेनिफिट है कि हम लोग संस्कृत बोल सकते हैं, समझ तो सकते हैं अगर कोई बोलेगा तो, क्योंकि थोड़ा सा अगर उसको हिंदी से कोरिलेट किया जाए तो, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही होता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि संस्कृत आपको कैसे सीखना है, कैसे आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको संस्कृत के बेसिक सीखना चाहिए। बेसिक्स में क्या होता है आप वो सीखें। आपको जैसे इंग्लिश होता है या हिंदी होता है उसमें आप सीखते हैं, जैसे जेंडर क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल मीन्स सब, आप सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, ये सब आप चीज़ें सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी तरीके से संस्कृत में भी आपको सीखना चाहिए वचन, पुरुष और लिंग। ये जो तीनों होते हैं, वचन, पुरुष और लिंग, ये तीनों अगर आपने सीख लिए तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि चीज़ें क्या हैं। फिर इसके बाद आपने जब ये चीज़ें सीख ली हैं तो आपको पता चल गया, शुरुआत हो गई है आपके साथ, आप अभी ये फर्स्ट स्टेप चढ़ने वाले। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसके बाद आपको वचन, लिंग और पुरुष के बाद आपको सीखना चाहिए लकार। क्या सीखना चाहिए आपको? लकार मींस टेंस होता है। जी हाँ, जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं, हिंदी में भी काल होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में लकार होते हैं। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर आपको स्पीकिंग में या फिर रीडिंग या राइटिंग करना हो तो आपको टेंस आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रॉपर लैंग्वेज के लिए। तो इस तरह संस्कृत में भी लकार 10 होते हैं, लेकिन आपको 10 नहीं सीखना है, बेसिकली आप कम से कम 3 लकार जरूर सीखें, लट लकार, लृट लकार और लंग लकार। लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस, लृट लकार मतलब फ्यूचर टेंस और लंग लकार मीन्स पास्ट टेंस। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये तीनों टेंस आपने सीखे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि आप जो वर्ब है, जो क्रिया है, धातु है, उसको किस तरीके से कहाँ पर क्या लिखा है, वो किस टेंस में बात हो रही है। इसके बाद आपको सीखना चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है विभक्ति। जी हाँ, विभक्ति, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं, संबोधन अलग से होता है। वो 7ों विभक्तियाँ आपको अच्छे से अगर आती हैं तो आप आसानी से सेंटेंस समझ सकते हैं। संस्कृत में जब आप वचन, पुरुष, लिंग और लकार और जब विभक्ति सीख जाते हैं तो आपको बहुत आसानी रहेगी संस्कृत को समझने में। इसके बाद आपको इसकी धातु मीन्स जो वर्ब होती हैं, कुछ गिनी चुनी ही वर्ब आपको सीखना चाहिए, जैसे कम से कम आप 50 से 60 वर्ब सीख लें, और एक आपकी जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं वो 16 धातुएं होती हैं, वो आपको सीखना रहेगा। इससे क्या होगा, आप अगर अपना वोकैबुलरी पे काम करेंगे तो आप संस्कृत को आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद जब आप बेसिक संस्कृत में वचन, पुरुष, लिंग, लकार और विभक्तियाँ सीख जाते हैं तो आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको उसको, आप उसका मीनिंग आसानी से निकाल पाएंगे और धीरे धीरे करके आप उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप संस्कृत बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो ये सभी जो वीडियोज़ मैंने बताएं, वचन, पुरुष, लिंग, लकार, विभक्तियाँ, ये सब के वीडियोज़ मैंने पहले ही बनाए हुए हैं और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि संस्कृत, बेसिक संस्कृत ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट है, आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से चेक करें और आज ही से सीखना शुरू करें, क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप कुछ अच्छा सीखेंगे तो आपके टाइम का भी अच्छा यूज़ होगा। तो आपके लिए जो संस्कृत सीखना है, बस इससे ज़्यादा अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो फिर आगे आपको
और भी चीज़ें सीखनी रहेगी, लेकिन अभी बेसिक के हिसाब से आपको यही सीखना ज़रूरी है। तो गाइस होप यू आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करनी है, और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नेक्स्ट Q&A वीडियोस में ज़रूर दूंगा। और हाँ, मैंने हमारी वेबसाइट www.dhakadacademy.com पर हमने संस्कृत के पूरे प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप वहाँ पर भी हमारी वेबसाइट पर जाकर भी एड फ्री एक्सेस कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, जितने भी लोगों के साथ आप पॉसिबल है शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और उनसे कहें कि संस्कृत ज़रूर सीखें। जो भी 6th to 10th क्लास में स्टूडेंट हैं या फिर जिनको संस्कृत सीखना है, वो लोग भी शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।